हेलो दोस्तों, टैक्स और वेल्थ में आपका स्वागत है सुबह के फाइनेंशियल न्यूज के साथ। और आज मार्केट फिर रेड स्ट्रीट हुई पड़ी है, मार्केट फिर से नीचे है और काफ़ी नीचे। निफ्टी 9517 पे है जो कि 438 पॉइंट नीचे, सेंसेक्स 32525 पे है जो 1577 पॉइंट नीचे है। कोरोना वायरस का फिर से ये इम्पैक्ट दिख रहा है ग्लोबली, ये देखा जा रहा है कि पूरा मार्केट डाउन है। जो आज मार्केट डाउन है उसके अगेन वही रीज़न दिए जा रहे हैं जो पहले भी दिए जा रहे थे। एक तो कोरोना वायरस का वर्ल्ड वाइड जो इम्पैक्ट है वो एक रीज़न है जिसकी वजह से टूर ट्रेवल हर चीज़ बंद हुआ पड़ा है, वहाँ पर वो ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से पिटी पड़ी हैं। साथ के साथ ये भी कहा जा रहा है कि ग्लोबल मार्केट जो डाउन रहा वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। उसके अलावा अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो वो लगभग $30 के आसपास चल रहा है, वो भी एक रीज़न है। साथ के साथ जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन बायर इन्वेस्टर है इंडिया में, उन्होंने बहुत ही बिकवाली की है। ये सारे रीज़न रहे हैं मार्केट को क्रैश, एक तरह से क्रैशिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि ये क्रैश है। लेकिन इस बीच कुछ अच्छी न्यूज़ भी है। पहली न्यूज़ है कि यस बैंक काफ़ी ऊंचा है और फेडरल बैंक ने अनाउंस किया है कि वो भी अब यस बैंक में 300 करोड़ इन्वेस्ट करेगा, यानी कि एक और बैंक आ गया उसे बचाने के लिए। लेकिन एक बुरी खबर है यस बैंक में, वो है उनके शेयर होल्डर के लिए। अगर आप 100 शेयर से ऊपर होल्ड करते हैं तो 25% से ज़्यादा आप शेयर बेच नहीं सकते हैं, 3 साल का लॉक इन लग गया। यानी अब आपने जो भी पैसे लगाए हैं, मेरे भी पैसे काफ़ी लगे हुए हैं, अब मैं 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड में, क्योंकि मेरे पास काफ़ी स्टॉक है इसके। इसके अलावा भारत सरकार ने भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया पेट्रोल डीजल पे, जिससे कि उनको लगभग 43,000 करोड़ का प्रॉफिट होगा जो आपके पॉकेट पे डायरेक्ट इंपैक्ट करने वाला है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के प्राइस तुरंत से बढ़ जाएंगे। इसके साथ इस सेबी ने एक नया अनाउंसमेंट करने वाली है, हो सकता है कि सेबी शॉर्ट सेलिंग को बैन कर दे। मार्केट इतना ज़्यादा वोलाटाइल है कि गवर्नमेंट को भी लग रहा है कि कुछ स्टेप लेनी चाहिए, तो सेबी उसमें आगे आके हो सकता है कि अनाउंसमेंट कर दे और शॉर्ट सेलिंग को बंद कर दे, जिसकी वजह से जो मार्केट में भी उथल पुथल चल रहा है, जो अप एंड डाउन चल रहा है, उसमें उनका मानना है कि उससे उसको कुछ बेनिफिट मिल सकता है। SBI कार्ड के लिए कहा जा रहा है कि यह डिस्काउंट पे खुलेगा क्योंकि मार्केट के हालात ठीक नहीं है, लेकिन कहना अभी मुश्किल है। ये सारे प्रोडिक्शंस हैं, आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि SBI का क्या होगा। लेकिन SBI कार्ड एक अच्छा स्टॉक है जो मुझे नहीं लग रहा है कि उसमें बहुत कुछ होने की गुंजाइश है, क्योंकि कंपनी के फाइनेंसिस बहुत अच्छे हैं, उनके जो प्रोजेक्शन हैं काफ़ी अच्छा है और कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। तो ये देखते हैं कि क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। शाम में हम फिर से नए फाइनेंशियल स्टोरी के साथ होंगे। थैंक यू।